इस कलश में दूध और गंगा जल दादी जी ने भगवान के अभिषेक के लिए रखा था, लेकिन हमारे लिए हमारे भगवान पापा जी ही। और आप, जिस तरह आज मैंने अपने पापा जी के चेहरे से ये कालिख हटाई है ना, ठीक उसी तरह मैं अपने सुहाग और परिवार पर लगा ये खून का दाग भी हटा कर रहूंगी। आज तक हमने सिर्फ इस बात का लिहाज किया कि आप इस घर की बड़ी बहू की रिश्तेदार हैं, लेकिन अब सारे रिश्ते खत्म। कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। तो मिसेस मीरा गोयंग, अब मैं आपकी हस्ती मिटा दूंगी। हमें घर में दुबकने की धमकी दे रही थी ना आप, देखती जाइए कैसे मैं आपका और आपकी बेटी का जीना दुश्वार कर देती। रुचि तो आवाज नीचे, उम्र का लिहाज कर रही, उसे गंवाने पर मजबूर मत कीजिए मुझे। आज सिर्फ आपकी सूरत काली हुई है ना, लेकिन मिसेस गोइंग का, अब देखती जाइए बहुत जल्द आपका और आपकी बेटी का भविष्य काला नहीं कर दिया ना मैंने, तो मैं भी अपने गोयल खानदान की बहू नहीं। आज ये तमाशा करके जिस जंग की शुरुआत आपने की है ना, उसका अंत मैं करूंगी। तो अब आप उल्टी गिन शुरू कर दीजिए। टिक टॉक टिक टॉक। मेरे मुंह पर कालिक लगाकर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो तुम, बट यू नो व्हाट, मुझे तो तुम्हारा चेहरा काला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब समझ आए कि अमृता को उसकी सोच कहां से मिली। दोनों माँ बेटी रंग के आगे बढ़ ही नहीं पाते। खैर, आपको अपने इस गोरे रंग पे जितना घमंड करना है कर लीजिए, लेकिन अदालत में बहुत जल्द मैं आप दोनों की काली सीरत का पट्टा फाश करके देगी। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि मैं ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं ये केस फास्ट ट्रैक करवा के 2 दिन में निहार को फांसी दिलवाऊंगी। मीरा गोयंका का वादा रहा तुमसे, हाँ
रिलैक्स, रुचिता कुछ साबित नहीं कर पाएगी, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ नहीं आता मुझे कि तुम मेरी बेटी होकर इतना बेवकूफ कैसे हो सकती हो। अमृता, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो, खास कर रुचिता जैसी दुश्मन हो तो बिल्कुल नहीं। इसलिए आज से तुम्हारा बाहर आना जाना सब बंद, खाने की डिलीवरी भी बंद, कुछ भी नहीं, तुम एक कमरे में बंद रहोगी। मॉम, इससे अच्छा तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, वहां यहां से ज्यादा आजादी मिलती है। अमृता बेटा, निहार को एक बार सजा हो जाने दो, हमें कनाडा जाने दो, उसके बाद वहां जो चाहे करना, लेकिन प्लीज अभी बात मान लो। ओके फाइन, पर कल बगल वाले ग्राउंड में लाख की चूड़ियों का मेला लगा है, और आपको तो पता है ना कि लाख की चूड़ियां मेरी फेवरेट है, तो मैं बस आधे घंटे के लिए बुर्का पहन के वहां जाऊंगी। प्लीज सोचना भी मत। मॉम प्लीज, नहीं प्लीज मॉम, नहीं। हेलो मासी जी, वो आपने भाभी, आप मीरा जी से कुछ भी नहीं कहेंगी, क्योंकि आपने अगर उनसे कुछ सवाल पूछा ना तो उन्हें शक हो जाएगा कि हमें आपके और उनके बारे में सब पता है। हमें आपके सांठ गांठ का ही फायदा उठाना है। हेलो, हाँ रितु, कुछ कह रही थी तुम, फोन बीच में ही कट गया। हाँ मासी जी, वो मैं कह रही थी कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से I'm so sorry, उन्होंने आज जो भी किया आपके साथ बहुत गलत किया। मैं खुलकर उस वक्त आपका साथ भी नहीं दे पाई, क्योंकि अगर मैं उस वक्त साथ देती तो कहीं किसी को शक ना हो जाता। मासी जी, आप विश्वास कीजिए या नहीं, पर आज भी मैं आपके साथ ही हूँ। प्लीज जाने दीजिए ना।